कोई भी कानून आया, मैं आपको बताऊं, ये वेमेंस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। यकीन करेंगे आपके अंदर में, हैदराबाद और कराची को छोड़ के आप अपने इंटीरियर में आप खवातीन से पूछे, अगर किसी को पता हो, किसी को नहीं पता होगा कि कानून मौजूद है, हम इस कानून के तहत अपने हकूक, अपने राइट्स ले सकते हैं, हम किसी बंदे को वहाँ तक तो उसके अंजाम तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन नहीं। या तो फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कि छोड़ दे बस, अब्बू ने छोड़ दे। औरत औरत के निकलना मुश्किल होता है, मैं नहीं मानती। बताऊं शहरों में क्या करते हैं, खवातीन फैक्ट्रीज में जाते हैं, खवातीन ऑफिसेज में जा रहे होते हैं, बसेस में ट्रेवल करके इधर उधर, ठीक है। अब आप दूसरी साइड ले लें अपने गांव के, ठीक है, क्या वहाँ पे खवातीन बैठी होती है? आपके ये जरा जो इतनी लंबी लंबी जमीनें हैं, कौन करते हैं, है ना? तो वो घर से निकलना नहीं होता, वो वर्क नहीं है, वो भी वर्क है। आपके ख्याल में कि उन खेतों में इनको कोई तशद्दुद नहीं होता होगा, उनको हरासमेंट नहीं होती होगी? होता है ना। तो वही चीज़ें जो शहर वाली खवातीन को फेस करने पड़ते हैं एज इट इज़, वही चीज़ें जो गाँव में बैठे खवातीन है ना, उनको भी वही चीज़ें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे सिनेरियो सिर्फ ये है कि हम शहर वाले खवातीन को कहते हैं कि थोड़े से बोल्ड लोग हैं, वो अपनी बात को डायरेक्ट किसी के मुंह पे दे मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन खवातीन जो गांव में रहते हैं वो उतना नहीं कर सकते, उनको उनको कानून का पता नहीं है। फिर वहाँ पे जो मर्दों की जो एक सोसाइटी बनी हुई है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, के भाई अगर आपने कुछ बोला ना, अक्सर हमारे खवातीन आते हैं कुल्हाड़ियों के बाहर हैं, कुल्हाड़ियों से मुँह पे, फेसिस पे, यहाँ हाथों पे, ये क्या है, ये सारे तशद्दुद है। वो तशद्दुद की जाती है कि आपने बोलना नहीं है, ठीक है, इस तरह से उनके लिए एक बाउंड्री बनी हुई है कि उसमें से निकलेंगे तो, लेकिन एक दफा अगर वो अद अपना पार करके निकल गया ना, उसके बाद 10 जो पीछे उसके पड़े हुए ना, वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चलो ठीक है, अगर वो कर सकी है ना तो हम भी ये काम कर सकते हैं, अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एनजीओ वाले कैसे उसको पहुंचे, आपको अंदाजा है एनजीओ वाले कैसे पहुंचते हैं उसको? पहला कदम, बारिश का पहला कतरा बनना पड़ता है, ठीक है, आप पहले निकलेंगे तो कोई आपके साथ होगा। आपने निकलने का ही नहीं सोचा, आपने घर के अंदर मारपीट खा ली, आपने जो भी कर लिया, जो भी हुआ था तशद्दुद वगैरह जो भी हो गया, घर के अंदर चार दीवारी में या वो आपका जो झोंपड़ी बना उसी के अंदर रहे, किसी को खबर नहीं हुआ, आपने इवन ये तक नहीं समझा कि अपने घर वालों को ही बताया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, घर वालों को नहीं बताते, इसलिए कि भाई मामलात बढ़ेंगे, या फिर घर वाले भी ये बोलते हैं कि बेटा अपने घर का मसला अपने पास ही रखे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हम बेटियों के जनाजे उठाते हैं।